आईटी सेक्टर के हम बात कर रहे हैं, लगातार एक एक आईटी कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं। टीसीएस के नंबर्स पहले आए, उसके बाद इंफोसिस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज के। अब सवाल ये खड़ा हो जाता है कि इन तमाम कंपनियों के नतीजों से आईटी की तस्वीर कैसी बन रही है। आईटी सेक्टर के नंबर्स में टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इंफोसिस के नंबर्स को अगर कंपेयर किया जाए, कहाँ पर कैसा एक्शन, नंबर्स कैसे रहे, विस्तार से आईटी सेक्टर का पूरा लेखा जोखा लेकर एक रिसर्च तैयार की है शरद ने, आइए क्विकली उनसे समझते हैं। शरद बताएं, आईटी स्पेस में नंबर्स तो आ रहे हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक के नंबर्स तमाम कंपनियों के लिए कंपैरिजन वाइज कैसे लग रहे हैं? जी बिल्कुल, जो है अब जो है दिग्गज कंपनी टीसीएस के नतीजे और कल जो थे एचसीएल टेक और इंफोसिस के पूरे नतीजे देखने मिले। लेकिन सबसे पहले बता देते कि जो टीसीएस के नतीजे आए हैं वो अनुमान के जो है इनलाइन देखे गए हैं एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशन से। लेकिन अगर बात करें एचसीएल टेक और इंफोसिस के, तो वो एस्टिमेट्स को जो है बीट किए गए हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपके Q3 के आंकड़ों को लेके। जो सबसे पहले रहने वाला CC मतलब कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ, वहाँ पे देख सकते हैं 5% सिक्वेंशियली सबसे ज़्यादा एचसीएल टेक में ग्रोथ आया है, और लगभग आप देख सकते हैं टीसीएस और इंफोसिस का 2.2% और 2.3% के रेंज में है। अब CC ग्रोथ के बाद आती है मार्जिनस, एबिट मार्जिनस, और यहाँ पे जो है लगभग फ्लैटिश रही हैं एबिट मार्जिनस। और दोनों कंपनियों ने भी जो है, ऑफकोर्स एचसीएल टेक ने भी कहा है कि जो उनके मार्जिनस की गाइड है उसको भी नैरो कर दिए हैं। हालांकि इंफोसिस की जो मार्जिन गाइडेंस है वो जो है अनचेंज्ड रही, और सपाट नतीजे भी देखने मिले हैं। अब ये CC ग्रोथ और गाइडेंस के बाद जो है फोकस करेंगे हम एट्रिशन रेट्स पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है एट्रिशन रेट्स। और ये तीनों कंपनियों ने जो है एट्रिशन रेट्स में जो है गिरावट देखने गई है, और मैनेजमेंट की कॉमेंट्री भी स्पेशली इंफोसिस की आई थी कि जो एट्रिशन रेट्स है वो आगे जाते हुए और कम हो सकता है, और ये पॉजिटिव रहेगा। एट्रिशन के बाद कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, कैसे डील वैल्यू होते हैं, उसमें भी जो है आप देख सकते स्ट्रॉन्ग डील वैल्यूज देखने मिली है। इंफोसिस का ऑलमोस्ट $3.3 बिलियन का जो है डील वैल्यू आया है, और ये जो है ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 8 क्वार्टर हाई पे। अब डील वैल्यू के बाद जो है रिटर्न्स और वैल्यूएशंस कैसे लगते हैं, इस पे फोकस करेंगे। और FY24 के जो PE वैल्यूएशंस है वो आप देख सकते हैं TCS और इंफोसिस का ऑलमोस्ट 25-23 times चल रहा है, हालांकि HCL टेक जो है अभी भी अंडर वैल्यूड है अगर इनसे साथ कंपेयर करें तो। 52-week रिटर्न्स के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी स्टॉक्स में जो है थोड़ी सी बिकवाली देखने मिली है, और उसमें आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 14-21% का डाउनग्रेड देखने मिला है। और आखिर में मैं बात करूंगा लक्ष्य के प्राइसेस की, जो टारगेट प्राइसेस क्या हैं तीनों कंपनीज़ के। यहाँ पे TCS का ऑलमोस्ट 3481 रुपीज़ प्रति शेयर आया है, और इंफोसिस और HCL टेक का अगर देखें तो 1707 रुपीज़ और HCL टेक का 1134 रुपीज़ पर शेयर है। ठीक है, तो एक आईटी का किंग कॉन वाली एक पूरी एक रिसर्च हमने आपके सामने रखी है कि तीनों ही कंपनीज के जो नंबर्स आ गए हैं उसमें से कैसे कैसे नंबर्स रहे और उसमें से कौन जीत रहा है। वैसे खुश, अगर मैं आपसे पता करूं इनमें टेक्निकली, चलो ठीक है, तो लेवल्स है, रिसर्च है, मार्केट के अपने नंबर्स के बेसिस पर है, टेक्निकली किंग कौन है इसमें से, इन्फोसिस है, HCL टेक है या फिर TCS है? जी हाँ, देखिए अगर हम सिर्फ टेक्निकली बात करें, फिलहाल जो इसका पैकिंग ऑर्डर है वो है TCS, HCL टेक एंड देन इंफोसिस। क्योंकि देखिए अगर हम यू नो एवरेजेस की बात करें तो HCL टेक, TCS जो है अपने की एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, इंफोसिस के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो मेरे लिए यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे जो आएगा वो TCS होगा। अब इस स्टॉक में यू नो हमने एक रेजिस्टेंस जोन देखा था यू नो 3300 के आसपास का, लेकिन पिछले 2 से 3 दिनों में स्टॉक ने उस लेवल को क्रॉस किया है, उसे मीनिंगफुली यू नो कॉन्कर करके उसके ऊपर सस्टेन भी कर पा रहा है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से एंटर करें तो 3380 इसका पहला टारगेट बनेगा, और जो ऊपरी टारगेट है इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 3460 बन के आ रहा है। तो TCS में डेफिनेटली एक मोमेंटम है, वहीं इसका जो स्टॉप लॉस है ये 3270 3280 के जो जोन्स है इसके आसपास रहेगा। तो मेरे लिए TCS इज द फर्स्ट पिक। और अगर हम एक क्विक वर्ड में दूं ऑन यू नो द निफ्टी आईटी इंडेक्स, देखिए इसमें भी हमने एक अच्छा खासा स्पर्ट आते हुए देखा है, और जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं टेक्निकली पहला साइन ऑफ रीबाउंड जो होता है वो है जब कोई भी इंडेक्स या स्टॉक अपने 20-day मूविंग एवरेज को क्रॉस करके उसके ऊपर आए। पिछले 2 सेशन से निफ्टी आईटी इंडेक्स ने एक्जैक्टली वही किया है, तो यहाँ पे फर्दर मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है टू यू नो 22,300 के जो लेवल्स हैं यहाँ तक के लिए। तो डेफिनेटली एक्सपर्ट है, लेकिन यू नो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है इसमें ध्यान रखें, एंड यू नो TCS एंड HCL टेक ऑन द लार्ज कैप साइड एंड परसिस्टेंट ऑन द मिड कैप साइड।